हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे DIY रूम डेकोर पार्ट 2, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एम्ब्रॉयडरी लूप लिया है, इसके अंदर मैंने एक वाइट मोटा कपड़ा लगा दिया है और इसके अंदर हम पेंटिंग करेंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में हमारा जो थीम है वो रेनबो रखा था, इसमें भी हम रेनबो ही रखेंगे। तो ये मैंने कपड़ा जो है इस पर लगा दिया है और इसको मैं साइडों से ट्रिम कर रही हूँ अच्छे से। तो अभी ट्रिम करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्टल ऑरेंज शेड लिया, इसको भी मैं पेस्टल लुक दूंगी जैसे मैंने पार्ट 1 में किया था। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज शेड कर रही हूँ सबसे पहले। अब ऑरेंज के बाद मैं येलो कर रही हूँ। ये वाले जो पेस्टल्स हैं इनको मैंने हल्का सा डार्क शेड दिया है। अब येलो के बाद यहाँ पे मैं पेस्टल ग्रीन कर रही हूँ। ग्रीन कलर करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर रही हूँ, लाइट ब्लू कलर। और अब मैं डार्क ब्लू कलर कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्टल पर्पल कलर कर रही हूँ। और अब हम इसे सूखने देंगे, उसके बाद इस पर कोट लिखेंगे। और इसके जो ये जो हमारा लूप था, इसकी जो बाउंड्रीज थी वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑरेंज पेंट कर दिया था। तो जो हमारा ये जो लूप की जो बाउंड्री है उसमें मैं कुछ वाइट लाइंस बना रही हूँ और ये हमारा डेकोरेट हो जाएगा और इसे हम सूखने देंगे, उसके बाद इस पर कोट लिख देंगे। तो अभी हमारा सूख गया, हम इस पर कोट लिखेंगे। मैं इस पर लिख रही हूँ नेवर गिव अप, आप कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी थी और इस पे अच्छे से पूरी भी आ सकती थी, इसलिए मैंने छोटी ली है। तो अब हमारा ये रेडी है, अब हम बनाएंगे हमारा अगला DIY। तो अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है जिसको मैंने क्लाउड की शेप में कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने कॉटन लिया है और मैंने ग्लू लिया है। तो अब सबसे पहले जो हमारी कॉटन है उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं अपने कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर कॉटन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में इसलिए डिवाइड करना है, इससे फ्लफ़ी हो जाएगी। तो अब कॉटन को मैंने कर लिया और मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ अपने कार्डबोर्ड पे और उसके बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके कॉटन लगा रही हूँ। इसी तरह मैं पूरे कार्डबोर्ड पे कॉटन लगा लूँगी। यहाँ पर अच्छे से कॉटन लगाने के बाद जो छोटे छोटे गैप्स रह गए मैं वहाँ पर कॉटन लगा चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पर 5 कलर के रिबन लिए हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, लाइट ब्लू और ग्रीन। इनको मैं रेनबो की सीक्वेंस में लगा के पीछे अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। कलर के रिबन लिए थे, येलो, पिंक और ब्लू। इनको मैंने जो हम चोटी बनाते हैं गुथी हुई उसमें टाई कर लिया था। ये रिबन ऑलमोस्ट 3 मीटर लंबे थे और इनको मैं वॉल पे लगा दूंगी। ये जो हमने रिबन मैंने अभी जो बनाया था इसको मैंने लव के शेप में मैंने वॉल पे चिपकाया, आप किसी भी शेप में चिपका सकते हैं इसे। तो अब मैं आपको मेरे रूम का बिफोर एंड आफ्टर दिखा रही हूँ। ये बिफोर है।
और अब मैं आपको मेरे रूम का आफ्टर दिखा रही हूँ। ये जो डोर हैंगिंग है मैंने मेरी पिछली से पिछली वीडियो में बनाया था, डोर हैंगिंग वाली वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जो पेंटिंग है मैंने पार्ट वन में बनाई थी, ये वाली पेंटिंग मैंने पार्ट वन में बनाई थी। और यहाँ पे जो ग्लास पेंटिंग लगी हुई है अभी मैंने पार्ट वन में बनाई थी। और ये जो है, ये हमने जो टांग रखा है आइसक्रीम स्टिक वाला, ये हमने हमारे बर्थडे डीआईवाई वाली वीडियो में बनाया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी लूप था ये हमने पिछली वीडियो में करा था।